जो लोग बुद्धिमान हैं, वो जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं, जिनसे किसी को भी बचाया या मारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जाता है, तो जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसका कारण होता है? किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या किसके कारण हुई? वो पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए कि उसके मन से दुख को सहना और बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है, तो आपके शब्द उनके अंदर एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी रखनी चाहिए। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको सीधे सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पता चलेंगी जहाँ पर आपको हमेशा चुप रहना पड़ेगा। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बार एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफ़ी परेशान लग रहा था और उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा कि हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूँ, अपने आप से दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य से संपन्न हूँ, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी भी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ, या तो वो उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्या कारण है भगवान? कृपया मुझे इस कारण का निवारण बताइए। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज सुबह मैं 40 ध्यान करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवे काँव काँव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया कि कौवे कितना काँव काँव करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवे की आवाज़ को पसंद नहीं करता है। मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं, बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज़ में गाता है, जो सभी को प्रिय होता है। ऐसे ही इंसान अगर सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले और सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है, संगीत बन जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाएंगे और वहीं पर सब लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। और दूसरी तरफ तुम यूं ही बेफजूल ऐसे ही बोलते रहो, बिना किसी बात के ही बोले चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसीलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर वो युवा लड़का बोला कि हे महात्मा, मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल पाऊँ। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द को किस तरह इस्तेमाल करना है। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बता दीजिए जहाँ पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसे मार्गदर्शन कर सकते तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा, तो मुझे ज़्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन वो हमेशा होश में नहीं रह पाता है, ध्यान में नहीं रह पाता है, तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा। सबसे पहली जगह है, या यूं कहें कि ऐसी परिस्थिति जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना है, वो है कि जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो
जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाना नहीं चाहिए। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको उस बीमारी के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में बेकार में उसे ऐसी ऐसी औषधियाँ बता रहे हैं जिसका उसकी बीमारी से कोई तालमेल नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों खो रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले आदमी को ये एहसास होता जाता है कि ये मेरी बात पूरी ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसीलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहाँ पर चुप रहना चाहिए और ध्यानपूर्वक उन बातों को सुनना चाहिए। दूसरी जगह यह है जहाँ इंसान को हमेशा चुप रहना है, वह है खाना खाते वक्त। खाना खाते वक्त इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर ही भोजन करते हैं, शांत भाव से भोजन करते हैं और एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। तीसरी जगह यह है जहाँ पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता है। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबा से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता, उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता। अब वो जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका है और गुस्से से बोला गया अपशब्द समय समय पर हमारे मन को बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला है। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ गाली गलौज नहीं करना है, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना। और जब ये विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और ये धीरे धीरे आदत बन जाती है, तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी किसी को कुछ गुस्सा आए तो कुछ बोलने की बजाय शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। उछलना, भागना, दौड़ना, जिम करना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए, वही असली बुद्धिमान होता है। चौथी जगह जहां आप चुप रहेंगे तो आपके लिए वही सबसे बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। चौथी जगह वह है जब चार लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हो, कोई बैठक कर रहे हो, तो चारों लोग तो एक साथ बात नहीं कर सकते। एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा और तीन सुनेंगे, तभी वो बैठक कामयाब हो जाएगी, तभी वो चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ हो जो बीच में ही दूसरे की बात काट कर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वो चर्चा या बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाओगे। यदि आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक अच्छे इंसान की और अच्छे बुद्धिमान की निशानी होती है। और आखिरी जगह, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं, बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो। जीवन शैली ऐसी बना लो कि जब भी आप भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों के दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरों के मन को भी शांत कर देती हो, और वो तभी संभव है जब आप प्रतिपल होश में रहकर बोलेंगे। इसके बाद वो युवा लड़का बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हो गया और उनको प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।